नमस्कार। महंगाई कमर तोड़ रही है, पेट्रोल और डीजल के दामों में आग लगी हुई थी और आज मोदी सरकार ने बहुत बड़ा एहसान किया और एक्साइज ड्यूटी को घटाया गया है। और जैसा कि अपेक्षित था, नोएडा के कमांडो वॉरियर एंकरों में तो मान लो दिवाली मनने लगी और कितना बड़ा काम मोदी सरकार ने कर दिया। लेकिन आइए थोड़ी सी तफ्तीश करते हैं और थोड़ी सी असलियत समझते हैं, आखिर किया क्या है। पेट्रोल का दाम अभी 105 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर है। पिछले 2 महीनों में यह 10 रुपया प्रति लीटर बढ़ा था और अब यह 9 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर घटाया जाएगा एक्साइज ड्यूटी के कट से। डीजल का दाम 96 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर था, यह भी 10 रुपए बढ़ा था पिछले 2 महीनों में चुनावों के बाद और यह 7 रुपए से कम होगा। तो आप देख सकते हैं कि दोनों दाम 2 महीने के पहले वाला जो लेवल था उससे ऊपर ही रहेंगे, उसके नीचे नहीं जाएंगे। 2 महीनों में 10-10 रुपए की बढ़त हुई थी पेट्रोल और डीजल पर। तो पहली बात यह कहनी जरूरी है कि जस का तस मामला 2 महीने पहले का हुआ है। अब आइए बात करते हैं कि 2014 में जब यूपीए की सरकार थी तो पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी लगती थी 9 रुपए 48 पैसा और डीजल पर लगती थी 3 रुपए 56 पैसा। ये एक्साइज बढ़ाकर मोदी सरकार 27 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर पर ले गई पेट्रोल के लिए और 21 रुपए 80 पैसे पर लीटर ले गई डीजल के लिए। आज के घटाने के बाद 19 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर एक्साइज पेट्रोल की रहेगी और 15 रुपए 80 पैसे 28 प्रति लीटर डीजल की रहेगी। 19.90 कंपेयर करिए 9.48 से और 15.80 कंपेयर करिए 3.56 से। इस तरह से पैसा वसूली हो रही है और ऐसे ही 27 लाख करोड़ रुपए सरकार ने कमाए हैं। अब अगली बात करते हैं, एक्साइज ड्यूटी आखिर बला क्या है और इसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। एक्साइज ड्यूटी में एक सेंट्रल बेसिक एक्साइज होती है जो राज्यों के साथ साझा करती है केंद्र सरकार। एक होती है स्पेशल एडिशनल और सेस, ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार रखती है और ये करीब 68% हिस्सा हो जाता है। कम क्या हुआ है आज? आज कम हुआ है सेंट्रल बेसिक एक्साइज, मतलब जो राज्यों के साथ साझा होनी थी वही कम हुई है। तो ये जो तमाम लोग कह रहे हैं राज्य भी कम करे, उनको सबसे पहले एक बात समझ में आने वाली ये है और वो अंतिम बात है कि 1 रुपए की अगर बेसिक सेंट्रल एक्साइज कम होती है तो सेंटर का 59 पैसा और स्टेट्स ने 41 पैसा कम ऑलरेडी कर दिया है, क्योंकि ये पैसा, ये शेयर स्टेट्स को जाता। और जो लोग वैट का बार बार नाम ले रहे हैं उनको मैं ये बताना चाहती हूं कि वैट एक एडवलोरम टैक्स होता है, वो एक्साइज पर डिपेंड करता है और अगर एक्साइज कम होगी तो वैट अपने आप कम होगा। लेकिन कुछ भी करने से पहले सरकार ने, क्योंकि सेंट्रल एक्साइज को कम किया है, ऑलरेडी स्टेट्स ने प्रति 1 रुपए पर 41 पैसा अपने आप स्वतः स्टेट्स का कम हो गया है। तो इस माया जाल को समझने की इसलिए जरूरत है क्योंकि ये लोग ये नहीं बताएंगे कि पेट्रोल और डीजल के दामों में आग क्यों लगी। ये कहेंगे वैश्विक दिक्कतें हैं, ये दाम क्रूड ऑयल के $20 प्रति बैरल पर भी आए थे, तब भी रियायत नहीं दी गई थी। आज भी ये आधी अधूरी सहायता है और पता नहीं कितना वक्त लगेगा फिर से ये 9.5 रुपए और 7 रुपए बढ़ जाने में, क्योंकि मात्र 2 महीने के अंतर ये सब बढ़ गया था चुनावों के बाद। तो आंकड़ों को समझिए, दिमाग को खोलिए और सवाल पूछिए, क्योंकि ये पैसे सरकार के नहीं है, ये पैसे आपसे ही लूटकर आपको ही वापस थोड़े कम रूप में दिए जा रहे हैं और वाहवाही लूटी जा रही है।